कपिल शर्मा का शो छड़न तो बाद अपनी आने वाली वैब सीरीज यूनाइटेड कच्चे की प्रमोशन लेके फिल्मी अदाकार सुनील ग्रोवर जलंधर पुजे और गुरद्वारा तलन साहब विखे गुरु घर विच नतमस्तक होए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु का आशीर्वाद लैन मगरों मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि जो नौजवान बाहरले देशों विच इलीगल तरीके नाल जांदे ने वो लोग सही ढंग नाल पेपर वर्क करके विदेश जाण तां ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि उन्हां दी इह वैब सीरीज इसे ते आधारित है कि किवें विदेश की धरती ते इलीगल तरीके ते जाण वालियां नूं तशद्दुद सहनी पैंदी है। रब हर जगह ही है, कितें भी चले जाओ, पर जिदा साडा शो आ रहा है यूनाइटेड कच्चे, उस लिए एक रेफरेंस हैगा कि जो टेंगो करैक्टर है वो फतेह तलन साहब गुरुद्वारे च मानता, जिदा कि कितने अगर जहाज चढ़ाने तो परमात्मा थोड़ा छेती सुन लेंगे, तो इस करके वो मानता करके इतने अच आए हैं कि टेंगो जो करैक्टर है वालों असं भी जहाज चढ़ाई और जहाज लेके आए हो। जहाज लेके आए भी मैंने कामना पूरी हो गई। और किहो जिहा अज का मतलब किहो जिहा सफर रहा गुरुद्वारा साहब? बहुत बढ़िया, इन्ने लोग आते हैं, मानता है साहब भी मैं गया से पिछले महीने अज इतने आए, इतने बहुत रौनक ने, बड़े लोग ने, श्रद्धा है, आस्था बहुत है, आते हैं, बड़ा चंगा लगे इन यूनाइटेड कच्चे शो का ना है। कच्चे कच्चे जिदा इलीगल इमीग्रेंट्स होंगे ना जी, तो उन्होंने कच्चे कहा जाता, मैंने भी बाद च पता चलिया जो मैं शो किया, कच्चे जोड़े बंदे उत्थे तो इलीगल नहीं हुए, तो इलीगल कहते कच्चे, कच्चा है भी अजे पक्का नहीं होया, उस करके सिक्ख्या यही है भी देखो जे तुहानू बाहर जाने का शौक है, चाह है वैसे तो सब कुछ अपने इत्थे हैगा, लेकिन जे तुहानू चाह है बाहर जाना है तो इदा नहीं भी पहले दिन जाने सब कुछ हो जाना, मेहनत करनी पैनी है। जिन्होंने भी मुकाम वेखा वेखी आप चले जाने, पर जिहड़े भी बंदे बाहर जाते हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते, उस तो बाद हासिल करते जो उन्होंने किया, तो नाल जे तुसीं जाना है तो लीगल तरीके नाल जाओ, इलीगल तरीके नाल ना जाओ, उत्थे इलीगल तरीके नाल रहो। कई लोग चले जाते लीगल तरीके ना वीज़ा लैके उत्थे इलीगल रहिंदे, बाद च वीज़ा पूरा पूरा हो जाता। हाँ जी उत्थे जांदा पंजाबी बंदा, पर उत्थे होर भी पार्टनर्स होंदे जिहड़े दूजे मुल्क तों आए हुए उन्हां नाल रहिंदा। हिंदी च है जी, हिंदी च है जी। हाँ जी हाँ जी, मेरी बड़ी इच्छा, मैं एक फिल्म भी की विसाखी लिस्ट, हूँ जो शो के डायरैक्टर ने उन्होंने मानस शाह उन्होंने हूँ मेरा गल चल रही है, अगर छेती कुछ बनेगा जी। देखो जी इच्छा ये है, भावना यह है कि लोगों को एंटरटेन करिए, तो हम शो इतना रिलीज़ हो चुका है तो लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, तो चंगा लग रहा है। कॉमेडी भी हैगी पर वक्री तरह की है, जो टेक्निकल जबान च कही तो थोड़ा जा कहते कि नॉन फिक्शनल टाइप कॉमेडी पहला मैं ज्यादा करता रहा, फिक्शनल मतलब कहानियां जिन्हें भी कही जांदियां वो हुण मैं उदां वल उस वल रुख किया होया, तो वह मैं मज़ा भी आ रहा, मैं वह भी करना पसंद करदा, चंगा लगता, पर ये मेरे वास्ते एक एक, एक फ्रैश चेंज है, मैनू भी करन च मज़ा आ रहा है, तो मैं उम्मीद है लोगों को भी मज़ा आएगा वेखण। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी मैं यही कहना भी अपना पेपर वर्क जो क्लीयर होए तुहानू जिहड़े जिहड़े चंगे लोग है जिन्हें तुहानू पता है उन्होंने थ्रू जाओ, तो पेपर वर्क थोड़ा कंप्लीट होए, लीगल तरीके नाल जाओ, लीगल तरीके नाल रहो। देखो यही यही कहना चाहना जी मैं, उत्थे जाके नहीं तो जे तुसीं लीगली जाते हो लोग चार चढ़ाया हुंदा है, पहुँच जाते हैं, कई पहुँच भी जाते, कई रस्ते भी मुड़े आते, पर उत्थे जाके परेशानियां बहुत होंदियां, ना तुसीं अपना बैंक अकाउंट खुला सकते हो, ना तुहानू घर मिलता, ना थोड़ा थोड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाए, रब ना करे तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिलती, थोड़ी आई डी मंगते हैं, तुम फटे जाते, वापस मोड़ देंगे, तो इस करके
ਉਹ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਅਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੈਗੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਲਾਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਗੋ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਨਫਲਾਵਰ 2 ਇੱਕ Z5 ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਟਾਈਮਸ, ਜਲੰਧਰ।